अरुणाचल की 19 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के पूरे के पूरे शेड्यूल के साथ ही लोकसभा चुनाव का शेड्यूल आपके सामने, और क्या इस बार वोटर भी बता देता हूं आपको, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताया गया करीब 97 करोड़ वोटर होंगे, जिनमें से 49 करोड़ पुरुष हैं और 47 करोड़ महिलाएं, 96.8 करोड़ करीब 97 करोड़ वोटर। अब जाहिर है अब से जब इलेक्शन कमीशन ने ये चुनाव की घोषणा कर दी है, तारीखें आपकी स्क्रीन पर आ ही गई हैं, पूरा कार्यक्रम आ गया है। अब आज से आप समझ लीजिए सारे के सारे राजनीतिक दल अब चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट जाएंगे। दोस्तों, लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, जून 4 यानी आज से 75 दिन बाद आपके सामने नतीजे सामने आ जाएंगे कि क्या 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 रियलिटी होगी, पीएम नरेंद्र मोदी 400 पार करेंगे। पर राजनीतिक रूप से ये इलेक्शन बहुत बातों पर निर्धारित होने वाला है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। पहला, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार कर लेते हैं दोस्तों, तो एनडीए के 400 प्लस को क्रॉस करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पहले ऐसे पोस्ट के इंडिपेंडेंट इंडिया के प्रधानमंत्री होंगे जो अपने तीसरे टर्म में 400 के लक्ष्य को छुएंगे, मतलब एंटी इनकम्बेंसी नहीं प्रो इनकम्बेंसी अगर ऐसा होता है। दूसरा, अगर मोदी 3.0 फुल मेजॉरिटी के साथ में वापस आते हैं, रियलिटी बनती है, तो नरेंद्र मोदी दुनिया के पहले ऐसे लीडर, करंट लीडर होने वाले हैं जो जितनी ज्यादा सरकार के अंदर रहते हैं उनका जनादेश उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। This is the map, which would be phase 2, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए, सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे। फेज 3 वुड बी फ्रॉम 12th of April एंड डेट ऑफ पोल विल बी 7th of May। इसमें भी टोटल 12 स्टेट उस समय में जा रही होंगी, और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा, राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे, और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे। फोर्थ फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May। डेट ऑफ काउंटिंग इन द एंटायर कंट्री वुड बी 4th of June फॉर ऑल बाई इलेक्शंस, फॉर द असेंबली इलेक्शंस, फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा वुड स्टार्ट, एंड बाई दैट टाइम अदर देन दैट एंटायर साउथ इंडिया वुड बी कंप्लीट, एंटायर वेस्टर्न इंडिया वुड बी कंप्लीट, नॉर्थ ईस्ट वुड बी कंप्लीट। और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी, 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी, काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th of June। इट विल लुक लाइक दिस विच इज इन फ्रंट ऑफ यू, एंड फिफ्थ फेज 5 में 49 कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल बी गोइंग टू द पोल, फेज 6 में 57 कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल गो टू द पोल स्टार्टिंग फ्रॉम द गजट नोटिफिकेशन ऑन 29th of April एंड फिनिशिंग ऑन 25th of May 2024। इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चल रहेगा। लास्ट फेज 7th phase notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. The last polling would be on 1st of June and counting on 4th. And इस phase में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। This is how the map will look. Yellow denotes the first phase and accordingly the reasons are given. We will share this map also, ताकि आप इसे अपने साथ रख सकें, इसके हिसाब से देख सकें। ये भी कोशिश की है हमने, और अगर पूरी फेज वाइज हम पिक्चर दें, ये भी एक अच्छी
स्नैपशॉट है, जिसमें फेज वन में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसी, फेज टू में 89, फेज थ्री में 94, फेज फोर में 96, 49, 57, 57. सो विल स्टार्ट विद 102, द लार्जेस्ट, स्लोली कम डाउन एंड फिनिश नॉर्थ ईस्ट, मूव अप फ्रॉम द साउथ एंड फिनिश द वेस्टर्न एरिया. तो इसमें वेदर और हर चीज का ध्यान रखते हुए काफी सोचने के बाद ये शेड्यूल बनाया गया है. विद दिस जो सिंगल फेज सिंगल पोल डेट है वो 5 स्टेट में होगी, 2 राज्य 4 बार में जाएंगे, कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर. 3 फेज में 2 जाएंगे, छत्तीसगढ़ एंड असम. 4 फेज में 3 जाएंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड. 5 फेज में 2 जाएंगे, महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर की हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 1 फेज होगी. और 7 फेज में 3 जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. विद दिस फ्रेंड्स आई एंड माई एड्रेस एंड